इंतजार के अंदर लगा है, बट मवी जिस तरीके से उन्होंने स्लैम इन किया था ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाए। एक अच्छा एंगल से डार्क लॉर्ड ने उनको करा गेट से बाहर। और अब ये देखिए गाड़ी के अंदर भर कर जो टीएक्सटी पे रोटेट कर रहे थे, गिल का स्प्रे टू मच प्रिसाइज एंड सैयद ओपी को नॉक करा नियो ने। नियो ने वहीं पे कंफर्म करा बाकी प्लेयर्स को भी, सैयद ओपी गेम से बाहर। टीएक्स के लिए झटके बैक टू बैक, गिल वहीं पर न्यू प्लेयर 1364 को भी गेम से बाहर करते हुए देखेंगे। आपको सोल वर्सेस गॉड लाइक वर्सेस जी, ये तीन टीमें आपस में लड़ते दिखना चाहिए। डेल्टा पीजी वो पीछे से मन्या को डाउन कर रहे हैं। केमिन ईस्पोर्ट्स सर्कल की एंट्री मिल चुकी है, बार बार लगातार थर्ड पार्टीज ये करे जा रहे हैं, फिनिशेस निकाले जा रहे हैं। ये मैच मुझे लग रहा है पूरे तरीके से आप एक और मैच बना दीजिए जो कि केमिन ईस्पोर्ट्स के हाथ में लॉक होता दिख सकता है। लेकिन लीजिए टीम एक्सपर्ट सही टाइम पे एंट्री इनकी भी हो जाएगी, सोल वर्सेस गॉड लाइक इस फाइट मैन। You never know, कौन सी वो टीम जो कि असली वाले का है, क्योंकि गिल अब अकेले बचे हैं, स्मोक्स की निकलना चाहते हैं, आई डोंट थिंक निकलने का मौका मिलेगा। यहाँ पे गॉडल की लड़ाई टीएक्स से भी हो रही है, सोल से भी हो रही है, वहीं पे नियो के नेट ने दो सोल प्लेयर को यहाँ पे नॉक करा। गिल ने अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे स्लैमिंग तो किया है, क्या यहाँ पे अपने प्लेयर को बचा पाएंगे? जस्ट पीछे की फाइनल बॉस बट हेक्टर के पास हाइट एडवांटेज है। गिल जिस गाड़ी के साथ होल्ड करके बैठे थे वहीं पे क्रीमी पाइक आता है, स्प्रे उनको किया गेम से बाहर। बट सोल के दो बड़े प्लेयर अभी भी नॉक पड़े, इट्स ओमेगा एंड गॉब्लिन, हेक्टर को दोनों को बचाना पड़ेगा। उससे पहले गॉब्लिन को कर दिया कंप्लीट और उनको किया गेम से बाहर। वहीं पे लेब्रॉन रेकनिंग के प्लेयर्स उनका शिकार बनेंगे।